राशिद खोकर साहब जो है उनके हकामात पे फुल फोर कार्रवाई करते हुए 8 बजे के जो हकामात थे उस पे जो है मार्केटें बंद कराई जा रही हैं और बहुत अच्छी कार्रवाई मुख्तियार कार साहब की, राशिद खोकर साहब की और नईम सुमरो जो है असिस्टेंट कमिश्नर, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत से है? सर आज जो है 8 बजे के हकामात थे उस पे फुल फोर कार्रवाई की जा रही है, तो क्या लगता है कि तकरीबन जो आपके हदूद का इलाका है वो बंद हो जाएगा? भाई ध्यान मछली वाला खुला हुआ क्या? अच्छा, वो उसको ज्यादा चेक करो, वो वायलेशन ज्यादा करते हो आप भी देख रहे हैं तकरीबन नहीं, बिल्कुल 99%। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त जो है मुख्तियार कार साहब, राशिद खोकर साहब की बहुत ज़बरदस्त और फिर फोन कार्रवाई, और इंशाल्लाह जो है अब हम इनके साथ ही होंगे और आगे भी जाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ वायलेशन है और कहाँ कहाँ अकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उनके खिलाफ जो है हम कार्रवाई भी करेंगे। राशिद खोकर साहब के साथ मिलकर और असिस्टेंट कमिश्नर नईम खोसो साहब के साथ मिलकर आगे जाके हम आपके दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ जो है वायलेशन है और कहाँ कहाँ नहीं है। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा अभी राशिद खोकर साहब जो है आगे की तरफ रवाना हुए हैं और इंशाल्लाह जो है आगे भी चलेंगे और कराची कमिश्नर के अहकाम के मुताबिक जो है दुकानें जो है बंद करवाई जाएंगी। आप देख सकते हैं हमारे हकम में जो है असिस्टेंट मुख्तियार कार जा रहे हैं राशिद खोकर साहब। नॉर्थ कराची और न्यू कराची का विजिट किया, हमारे कैमरेमैन ने आपको दिखाया कि किस तरह जो है पूरी जो है मार्केट के ऊपर इन्होंने बंद करवाई और कराची कमिश्नर के हकामात को बिल फोर उनके हकामात को जो है ज़ाया नहीं जाने दिया और आवाम ने भी कोऑपरेट किया और राशिद खोकर साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे इस कायम के तमस्सुल से कि उनको क्या लगा उनकी इजारे राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। राशिद साहब माशाल्लाह आपकी मेहनत जो है वो रंग ले आई और नॉर्थ कराची और न्यू कराची जो है बंद हो गया, अगर इस तरह के आपसे मुख्तियार का आप जैसे मुख्तियार का आते रहे तो हमारे कराची के अंदर जो है कानून नाफिज हो सकता है। और भी हमारे जो है मुख्तियार सब काम कर रहे हैं और आज आपने देखा के सारे जी नाज़रीन, आपने देखा कि मेडिकल स्टोर की जो इजाज़त है क्योंकि 24 आवर है, ये इमरजेंसी की सूरत में ना क्या कहते हैं खोला रखने की इजाज़त है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, पर मैं राशिद खोकर साहब और क्या कहते हैं नईम अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने स्काई वन के साथ मिलकर जो है टाइम दिया और कराची कमिश्नर के अहकाम के ऊपर फिलफोर कार्रवाई की।
तो हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कि आवाम का कहना ये है कि कोरोना वायरस नहीं है, पर ये आवाम जो है समझ नहीं रही है इस बात को। हम जानने की कोशिश करेंगे राशिद खोकर साहब से। जी राशिद साहब। नहीं नहीं माशाल्लाह आवाम ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया हमारे साथ, जी नाजरीन देखा आपने कि मुख्तियार का कहना यह था कि कोरोना तो है पर इस पर अमल आवाम की भी उतनी ही ज़रूरत है जितना असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है अपने अहकाम और कराची कमिश्नर अहकाम दे रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि इदारे में अगर ऐसे ही अफसरान आते रहे तो इंशाल्लाह अजमेर हमारा मुल्क जो है तरक्की करता रहेगा। और अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अनवार अहमद शेख, पाकिस्तान जिंदाबाद।